उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में पुनर्जन्म का मामला सामने आया है, जहां ओछा थाना क्षेत्र के गांव नगला सलेही निवासी प्रमोद कुमार गुरुवार को एक 8 वर्ष के बच्चे ने पिता से कहकर पुकारा प्रमोद। पहले तो कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन जब बालक ने बताया कि नहर में नहाते वक्त डूबकर उसकी मौत हो गई, इतना सुनते प्रमोद और उनकी पत्नी ने बालक को गले लगा लिया और उनकी आंखें झलक आई। प्रमोद कुमार ने बताया कि उनके पुत्र रोहित की 13 वर्ष की उम्र में 2013 में नहर में डूबने से इकलौते बेटे की मौत हो गई थी। उनका बेटा माध्यमिक विद्यालय सलेही में पढ़ता था। आसपास के लोग भी बच्चे की पुनर्जन्म की बातें सुनकर हैरान थे। उसने जो कुछ भी बताया ग्रामीणों के अनुसार वो सब सही है। इलाके में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। बालक को साथ लेकर गाँव पहुँचे नगला अमर सिंह निवासी राम नरेश ने बताया कि 8 वर्ष पूर्व उनके घर बेटे का जन्म हुआ, उसका नाम चंद्रवीर रखा। जब वह बोलने लगा तो उसने अपने पुनर्जन्म की बातें उन्हें बताने लगा। वह अक्सर गांव नगला सलेही आकर माता पिता से मिलने की जिद करता रहता था, लेकिन वह बेटे को खोने के डर से उसके साथ नहीं ला रहे थे। अब वह बच्चे की जिद के आगे मजबूर होकर उसे लाए हैं। बालक के पुनर्जन्म की बातों को सुनने के लिए लोगों की भीड़ एकत्र थी। इसी बीच वहाँ से नगला सलेही विद्यालय के प्रधान अध्यापक सुभाष यादव आ गए। उन्हें देखकर बालक ने उनके पैर छूकर नाम से संबोधित किया। प्रधान अध्यापक सच जानने के लिए बच्चे को विद्यालय से ले गए तो उसने पुनर्जन्म में अपनी कक्षा के बारे में भी बताया। अपने पुनर्जन्म के माता पिता के पास वह बेहद खुश नजर आया और उन्हें कई बातें बताई जिसे सुनकर सभी लोग हैरान थे। सत्यता तो ये है ना, ये बताता है मैं पहले नगलिया में मतलब जन्म लिया था। अच्छा अच्छा, जानवरिया फिर, और वो प्रमोद थे उनका लड़का था पहले। तो फिर ये वहाँ क्या कहता था पहले? पहले तो उनसे पिताजी कहेगा। अच्छा, माँ का तो उन्हें कब से याद करता जी? जे मतलब 4 साल से बोल करो तो पहले। आज गया ये वहाँ पे? आज ऐसा कल में कटिंग कराए हुए गए। अच्छा, ठोका पे वही बड़रा पे। अच्छा, तो उनने कही देखो ऐसे ऐसे माल लड़का खत्म होगा वो। अच्छा अच्छा, तो हमने कही क्या लड़का तो हमने हमारे यहाँ जन्म ले चुके। अच्छा अच्छा, तो हमने तुम्हें कैसे पता है? अच्छा। तो तुमने क्या ना बताई हमें? अच्छा अच्छा, हमने यानी बताई ना यार, मेरे तो एक और लड़का है बड़ोगा भाव यादगारी है। अच्छा अच्छा, तो हमने जा बजा सबने पे माता पीटते रहे ना सारे में चुप है जाओ तुम। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? चंद्रेश। चंद्रवीर। अच्छा चंद्रवीर, ये बताओ ये ग्राम नगला सलेही है, वहाँ कौन रहते हैं? हाँ, नगरिया जिसे कहते हैं। आपके पापा रहते हैं? क्या नाम है पापा का आपके? पौधे पौधे कहते हैं। और मम्मी का नाम? अच्छा, मम्मी का नाम बताओ। मम्मी का नाम उषा है। मम्मी का नाम उषा है। आज जब आप, क्या नाम है आपका? प्रमोद। अच्छा प्रमोद जी, आज एक बच्चा आया था, वो कह रहा था कि वो आपका बेटा है, पुनर्जन्म हुआ है उसका। तो क्या घटना हो गई थी जिससे आपका बेटा खत्म हो गया था? वो गणेश चुमाने गया तो सुनहर में मतलब वो डूब गया। कितने साल पहले? करीब 9 साल पहले। अच्छा चलो, आज जो लड़का आया था उसने आपको पहचाना? जी। और किन किन को पहचाना? मतलब हमारे को लला। क्या नाम है आपका? आपका जो बेटा जिसे पहले की जन्म की याददाश्त थी, तो आपने इसको वहाँ जाने क्यों नहीं दिया? भैया मैं तो डर लगा, मैंने तो धमकाया, हमने भी कहा था उसको, सही बताया तुमने। अच्छा अच्छा, अब नहर की क्या, तुम नहर में गिर जाएंगे तो फायदा का चीज से। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वजह से न जान दो मन तो। अब आप क्या करना चाह रही हैं? अब जे मतलब इनको रिश्ता जरूर आएंगे जाएंगे, आप आते जाते रहे। और भाई और मान के चलिए, उनकी माँ ने, पहली वाली माँ ने कहा कि हमें लड़का, हमें अपना बच्चा चाहिए, ये तब क्या करेंगी? तो आते जाते रहे, बच्चा देंगी नहीं? बच्चा नहीं देंगे, इनको कुछ जन्म लाओ, इनको कुछ जन्म लाओ। अच्छा अच्छा, महीना खाड़ो का, आज जाते रहे मतलब जे को तुम जल्दबाजी हम दे दे जल्दी खा पड़े तो मैं सोना देंगे।